Roll sound, roll camera. Silence, please, roll inside. Take six. Set. And action. राम जी का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं हूं विकास मिश्रा और आप हैं हमारे चैनल विकास मिश्रा शो पे। ये हम शूट पे गए थे दिल्ली, जहां पर अरबाज खान के साथ हमारा एक इवेंट था जो कि रियल ग्रू ने लॉन्च किया था। वहां पर हमारा एड भी था। हमने कहा कि जरा हमारा BTS बना लीजिएगा। अब कैमरामैन साहब हमारा BTS नहीं बना रहे। मैंने अपने मोबाइल वाले भाई साहब से पूछा कि आप मेरा BTS क्यों नहीं बना रहे थे। उन्होंने कहा कि आप तो मोबाइल में हमेशा कैद होते ही रहते हैं। आज मैंने सोचा कि खूबसूरती कैद कर ली जाए, तो मैं चला गया उधर बात करने के लिए। पता नहीं किसका फ़ोन आया, मुझे नहीं पता। अब इन खूबसूरत लोगों के बीच में कुछ ऐसे चुनिंदा खूबसूरत लोग हैं जिनका हमारे मोबाइल वाले भाई साहब वीडियो बना रहे थे, और उसमें से जिया जी खास थी उनके लिए, क्योंकि जो भी फोकस हो रहा था सब जिया जी पे हो रहा था, क्योंकि हमारे शो की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी वो लीड भी थी। भैया उन्होंने ही सब कुछ किया था, इसलिए कैमरामैन भाई साहब उनको इम्प्रेस करने में लगे हुए थे। इसीलिए कहते हैं मैन विल बी मैन। अब पूरा कैमरे का फोकस मुझ पे है, लेकिन मोबाइल वाले कैमरे का फोकस जिया जी पे है, क्योंकि हमारे मोबाइल वाले भाई साहब को जिया जी को इम्प्रेस करना है। वैसे इनको नंबर वंबर मिलता नहीं है, फिर भी इम्प्रेस करने में लगे हैं कि देखो मैडम मैंने आपका वीडियो बनाया है, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। और जिया जी क्या कहेंगी, हाँ ठीक है सब लोग बोलते हैं। तो ये बात भी सही है कि व्लॉग हो या फिर एड, हमें देखाया नहीं है, खूबसूरत मोहतरमाओं को देखने आया है, इसीलिए भाई साहब मोहतरमाओं को ही कैद कर रहे हैं। करो वो सोल्स की तरह दिखने लगेगा उधर से जब लाइट आएगा। मोटी रिहर्सल के बाद शुरू करते हैं अपनी फाइनल रिहर्सल। ये हमारे मॉनिटर पर जो बैठे हुए हैं हमारे डायरेक्टर सर। फिर हम पहुंचते हैं अपनी तरफ, मैं बैठा हूं, जिया जी बैठे हैं, देव भैया बैठे हैं, जो कि जो रियल ग्रुप प्रॉपर लॉन्च कर रहे हैं उसके डायरेक्टर वो हैं, और ये रहीं सिमरन यादव जी जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं और इनके मिलियंस फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, क्योंकि इस रियल ग्रू इवेंट में जितने लोग बुलाए गए थे वो सब इंस्टा इन्फ्लुएंसर ही थे। फिर हमारी ये फाइनल रिहर्सल चल रही होती है, और जिया जी का एक सीन है जहाँ पर वो कुछ कर रही होती हैं। क्या कर रही होती हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ तो कर रही होती हैं। फोकस उनकी तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो कर ही रही होंगी। हमारा काम है सिर्फ जिया जी को देखना, और हमारे व्यूवर्स का काम है सिर्फ जिया जी की खूबसूरती को देखना। हम तो बस दिख ही जाते हैं। देव भैया अपनी रिहर्सल कर रहे थे कि कैसे उन्हें प्रॉपर बोलना है, हम लोग देख रहे थे क्यों कि कैसे हमें उनको फॉलो करना है। अच्छे तो हम भी लग रहे थे यार, लेकिन हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आगे की वीडियो देखनी है तो प्रॉपर जो हमने एक्ट किया था उसका तो वेट करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और